डर का पता नहीं पर खौफ बिठा दिया, और ये था मैच जिसमें पंजाब ने सच में पूरा माहौल उठा दिया। नहीं, केकेआर के फैंस के लिए सॉरी है, दिल से सॉरी है, सॉरी सॉरी, पर ये मैच ही कुछ ऐसा हुआ ना कि मजा आ गया, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल था ना भाई, कोई भी टीम जीते, और मुझे लग रहा था कि केकेआर रौन देगी, ध्वस्त कर देगी, बर्बाद कर देगी पंजाब को, क्योंकि कोलकाता के होम ग्राउंड में कोलकाता को कौन हरा सकता है। और कोलकाता ने कुछ खेला भी ऐसा ही यार, मतलब शुरुआत ऐसा दिया, पावर प्ले में नारायण ने और साल्ट ने बता दिया कि क्यों है वो बेहतरीन ओपनर इस आईपीएल के। हैदराबाद की ओपनिंग हो या केकेआर की ओपनिंग हो, इस आईपीएल इनका डंका बज रहा है। लेकिन भारी पड़ गया पंजाब के ओपनर्स, प्रभसिमरन सिंह, जॉनी बेस्टू, गजब का क्रिकेट खेला भाई। और जॉनी बेस्टू तो आउट ऑफ फॉर्म था ना, ये फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म वाला क्या होता भाई, अगर बड़े प्लेयर है, क्लास है, तो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है, टैलेंट बस, एक मंच चाहिए होता है, एक सही टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम आ गया जॉनी बेस्टू को। एक तो अंग्रेजों को ना ये कोलकाता सिटी बहुत भाती है, पहले भी आए थे वहीं से पूरा देश गुलाम कर गए, अभी कोलकाता को पीट पाट के जॉनी बेस्टू फॉर्म में आ गया, और वो इंग्लैंड वाले ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा इंग्लैंड की टीम तो आउट ऑफ फॉर्म ही खेल रही है ना वर्ल्ड कप के बाद से ही, और अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे पहले इनके बेस्टो और ये बटलर दोनों ही फॉर्म में आ गए, तो इंग्लैंड के तो दोनों ही हाथों में भाई चांदी ही चांदी है, और आईपीएल किसी का भला करे ना करे, इनका तो कर गए। ये समस्या है। चलो अब मैच पे आ जाते हैं, मैच पे हुआ क्या, पंजाब ने टॉस जीता और केकेआर को बोला आप बल्लेबाजी कीजिए, और केकेआर ने कहा तोहफा कबूल है सर, हम खेलेंगे, कुछ अलग ही अंदाज में खेले दोनों ही ओपनर्स ने, और छक्के चौके बस यही लग रहे थे। ये ऐसे भी आईपीएल इस सीजन हाइलाइट्स ही देख रहा हूं मैं, ये मैच थोड़ी ना है यार, सिंगल डबल को तो ये डॉट बॉल से भी बेकार समझ रहे, क्योंकि यहाँ छक्के चौके ही लग रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और वो बरसात शुरू हो गई, स्टार्टिंग से ही पावर प्ले में तोड़ के रख दिया और कोई विकेट नहीं गिरा था, फिर नारायण आउट हुए और वहां एक मिस्टेक कर गई केकेआर, केकेआर ने ये मिस्टेक किया कि वेंकटेश अय्यर को वहां भेज दिया, और मुझे लग रहा है कि उनको ना बड़े स्कोर की तरफ जाना था, ना कि अपने वेंकटेश अय्यर जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है उसको फॉर्म में लाने के लिए वहां भेज दिया वन डाउन। वहां रिंकू सिंह को भेज सकते थे अगर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, क्योंकि रिंकू सिंह क्या कर सकते हैं हम सबको पता है, उतने मौके नहीं मिल रहे इस सीजन उन्हें, और इसी के कारण बेचारे का वर्ल्ड कप का भी सफर शायद लग रहा है हल्के में। लेकिन अय्यर साहब ने सोचा कि वेंकटेश अय्यर को भेजा जाए, अय्यर अब वही गलती हो गई, क्योंकि वेंकटेश अय्यर खेले अच्छा, अगर दूसरा कोई मैच होता तो इस मैच के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं था जहां सब 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से थे, वो 169 के ही स्ट्राइक रेट से खेले, इंपैक्ट के रूप में आए थे, लेकिन ये काम कहीं ना कहीं खराब करके चले गए। श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की, सॉल्ट के आउट होने के बाद आए और तगड़ा खेले, लास्ट में आके रसल भी कुछ खेले, लेकिन ये टोटल बहुत ज्यादा जा सकता था, हम सबको लग रहा था कि ये सबसे बड़ा टोटल जो हैदराबाद ने आरसीबी के अगेंस्ट बनाया था 287 का, वो आज टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो क्या आपको भी आईपीएल के मैचेस से पैसा बनाना है और अपने महंगे महंगे शौक को पूरा करना है, तो द स्पोर्ट प्रिंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आप हर दिन प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। हर मैच में आपको मिलेगा कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी, सेशन क्या बनेगा, ड्रीम इलेवन की टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। कल पंजाब वर्सेज कोलकाता वाले मैच में इनका प्रेडिक्शन था कि पंजाब ये मैच जीतेगी और जीती भी, साथ में 6 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, 10 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, 20 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, ये बंदा लाइव मैच के दौरान अपने टेलीग्राम पे बता रहा था और वही सेम टू सेम मैच में हो भी रहा था। इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और इनको अच्छे से फॉलो करो, फिर खुद आप रिजल्ट देख लेना इनसे आपको कितना प्रॉफिट होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो एक बार। मैं खुद पर्सनली इनको फॉलो करता हूं, हर दिन कमाता हूं। आईपीएल के अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें इनका प्रेडिक्शन 99% तक सटीक हुआ है, बैक टू बैक इनके सारे मैचेस पास होते हैं, और सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आप भी जाकर एक बार चेक कर लो, और साथ साथ इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप वहां से इनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, तो ज्वाइन करना मत भूलना। कहीं ना कहीं एक छोटा सा कमबैक कहूंगा, पंजाब के बॉलरों ने कर दिया यार, बॉलर क्या ही कमबैक करेंगे इस सीजन, बॉलरों का सिर्फ बुरा ही हाल है, जो बल्लेबाज आ रहा है धागे खोल दे रहा है, अगर ऐसी पिटाई चलती रहेगी तो कौन बॉलर बनना चाहेगा यार, सबको हीरो बनना है। बहुत मारा लेकिन फिर भी ठीक ठाक कमबैक कह दूंगा, 261 रन बने,
जो 280 प्लस भी बन सकते थे। अब इतना बड़ा चेस कैसे करते पंजाब, पहले से ही आउट ऑफ फॉर्म सारे प्लेयर है, ओपनर ढूंढ रहे हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सबके सब फेल हो रहे हैं इनके। सैम करन खुद आए कप्तान ओपन करने लेकिन नहीं चला, लेकिन आज कप्तानी कमाल की हुई या जिसका भी यह डिसीजन था वेस्ट था। उन्होंने परसिमरन सिंह और जॉनी बेस्टो को बैक किया, पिछले मैच में नहीं खिलाया था पर इस बार खिलाया और बहुत ही कमाल का क्रिकेट हुआ। उसके बाद परसिमरन सिंह ने तो हल्ला बोला बहुत तगड़े तरीके से और तब तक बेस्टो सिर्फ देख रहे थे नॉन स्ट्राइक में कि चलो शो चालू है देखते हैं कैसे खेलते हैं, लेकिन फिर बेस्टो का बल्ला चला और ऐसा चला कि शतक ही ठोक दिया। एक तो ये दोनों ही, बटलर भी शतक के बाद इनफॉर्म में आए थे, आउट ऑफ फॉर्म के बाद सीधा शतक ठोका था, यहां जॉनी बेस्टो भी, और ऐसे मैचेस दोनों ही खेले हैं जहां असंभव लग रहा था जीतना और जिता के ले गए। तो बेस्टो ने कमाल की बल्लेबाजी की, नॉट आउट गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जो छक्के लगाने की कैपेबिलिटी है कौन नहीं जानता बेस्टो क्या कर सकता है। ये प्लेयर फॉर्म में आ जाए तो राहें आसान हो जाती है यार, और वही हुआ। पंजाब ने सबसे बड़ा रन चेस किया, एक हिस्ट्री क्रिएट की, लेकिन हां इसमें दिक्कतें आई, वो नारायण का डायरेक्ट हिट और परसिमरन सिंह आउट हो गए। शाबाश, एक रन के लिए ऐसे विकेट गंवाना नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप बहुत बढ़िया खेल रहे थे यार। टाइगर देखिए अपना 270 का, 20 बॉलों में 54 रन, 5 छक्के, 4 चौके, ऐसे खेलते हुए एक रन के लिए आउट होना, नहीं ये मजा नहीं है। और वहां लगा कि शायद केकेआर कमबैक कर लेगी, और केकेआर ने कमबैक कर भी लिया था, क्योंकि मौका दिया भाई पंजाब ने राइलो रोसो को भेज दिया जो वो आउट ऑफ फॉर्म था, वही गलती जो केकेआर करी थी वेंकटेश अय्यर को भेज के, यहां कर गए पंजाब वाले। लेकिन ये महंगा नहीं पड़ा, महंगा इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इन्होंने एक और काम अच्छा कर दिया कि शशांक सिंह को ऊपर भेज दिया कि जाइए आपके लिए, आपके ऊपर है जिम्मेदारी, और शशांक सिंह ने कहा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि गेम ऐसे गेमों के लिए मैं बना हूं। आप देख लो 90 पे खेल रहे थे, 90 प्लस में खेल रहे थे जॉनी बेस्टो, और वो 108 पे पहुंचे और शशांक सिंह ने पूरा मैच ही जिता दिया, एक तरफा मैच कहूंगा मैं ऐसे, इतने बड़े टोटल को अगर आप 8 बॉल रहते हुए जीत लेते हो, मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं है मेरे भाई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है, सबसे ज्यादा छक्के इस मैच में लगे और आप इतने बड़े टोटल को 8 बॉल रहते हुए चेस कर लेते हो, क्या बात है, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। 28 बॉलों में 68 रन बनाए 242 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 8 बेहतरीन छक्के, छक्के तो ऐसे मार रहे थे जैसे चाय पी रहे हो, बड़े आराम से, वो जो एड है ना वो बड़े आराम से वाला, ये मुझे लग रहा है शशांक सिंह को मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से छक्के मारे हैं माइंड ब्लोइंग। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच जॉनी बेस्टो चुने गए और डिजर्व भी करते थे, हम सबको पता है, आउट ऑफ फॉर्म थे, फॉर्म में आए, अंत तक रहे, नॉट आउट गए, 100 प्लस स्कोर किया और सुनिश्चित किया कि पंजाब इतने बड़े टोटल को चेस करे। वहीं केकेआर के फैंस दुखी थे, पूरा कोलकाता ईडन ग्राउंड साइलेंट मोड पे था, किंग खान बादशाह खान वहां पे दुखी नजर आ रहे थे और गौतम गंभीर के शकल पे ऐसा था कि अब मैं ड्रेसिंग रूम में किसकी पिटाई पहले करूं, क्योंकि सब डिजर्व करते थे, सबने ये रिस्पेक्ट अर्न किया था। अगर एक प्लेयर जो बच सकता था वो थे सुनील नारायण, बल्लेबाजी में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, वहीं गेंदबाजी में भी 4 ओवर में 24 रन देके एक विकेट भी निकाला। मतलब यार अगर नारायण को छोड़ दिया जाए, कोई और बॉलर होता तो ये मैच तो बहुत पहले ही खत्म कर देते पंजाब वाले, पर गजब का क्रिकेट खेला। और टेबल के दूसरे नंबर वाले नीचे से बॉटम ऑफ द टेबल के दूसरे नंबर वाले टॉप ऑफ द टेबल के दूसरे को धो दिया। हाँ, अभी टेबल का परिणाम नीचे से जरूर बदला है, अब पंजाब मैच जीतने के बाद तीसरे नंबर पे आ गई नीचे से, वहीं टॉप ऑफ द टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि नेट रन रेट उनका अच्छा है। अब कुछ ना कुछ चैलेंजिंग तो हो रहा है यार, मतलब नीचे वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर वालों को ठोक रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो 2024 सीजन अनफॉरगेटेबल होने वाला है और बहुत मजे आने वाले हैं। इस मैच में तो रिकॉर्ड्स बने ही भाई, सबसे ज्यादा छक्के लग रहे हैं और सबसे बड़ा टोटल चेज हो गया, और क्या चाहिए, मजा आया। बाकी आज है सैटरडे और आज है डबल धमाका, दोपहर में मैच है मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली में, दिल्ली भी तगड़ी खेल रही है और मुंबई मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ फाइट करने वाली है और मुंबई भारी होगी इस मैच पे। बाकी दिल्ली को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की और उनके बॉलर भी अच्छे खासे धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मैच एक फाइटिंग टोटल होने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से होने वाला है और
फाइट करेंगे दोनों ही टीम। बाकी दूसरा मैच है लखनऊ वर्सेस राजस्थान, और यहां भी मजा आने वाला है, क्योंकि मजा तो है ही यार, दोनों तरफ ही मजे होने वाले, क्योंकि एक टेबल टॉप पे, एक टेबल के चौथे नंबर पे, और दोनों ही तगड़े परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन राजस्थान कहीं ना कहीं हल्ला बोल कर रही है और बहुत तगड़ा खेल रही है, क्योंकि बटलर भी फॉर्म में है, जायसवाल भी फॉर्म में आ गए, रियान पराग फॉर्म में ही थे और संजू सैमसंग भी फॉर्म में थे। तो भाई राजस्थान की टीम एकदम बैलेंस्ड और तगड़ी टीम लग रही है। वहीं केएल राहुल का दिमाग से कौन बच सका है, माही के बाद उन्हीं के दिमाग की तो तारीफ हो रही है। तो अगर उनके मयंक यादव वापसी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लखनऊ बहुत तगड़ी लगेगी। बाकी कौन सी टीम जीतेगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।